अगर कोई और मैटर होते हो तो भाई बालक तैयार बैठे हैं दोस्तों। दोनों ही अखाड़ों का मुकाबला प्रारंभ हो चुका है, जिसमें रशियाबाजी का बड़ा ही प्राचीन, बड़ा ही दिग्गज अखाड़ा, बड़ा ही प्राचीन और बड़ा ही दिग्गज अखाड़ा, जिसे रशियाबाजी में रशिया सम्राट तो बड़ा घूम रहे बने हुए, बहुत घूम रहे हम रशिया सम्राट है, लेकिन वास्तव में जो आज सामने अखाड़ा बैठा है, इस अखाड़े को रशिया सम्राट का खिताब मिला हुआ है। भैया सीटी बंद करो, अच्छे बच्चे सीटी नहीं मारते हैं, अच्छे बच्चों का काम नहीं है, बाबा सही कहीं सीटी मारवा। अभी नंबर सुना आपने हाथरस वालों का, जिसमें एक छंद गाया गोरा मैया, कह रही है एक तो तुमने खाली बेच दो, एक है तुमने दे दी, एक खाली छोड़ दिया और एक को तुमने तो दोस्तों मैं यह भी बताऊंगा कि क्या दिया और क्या हुआ। मुल्ला जी रशिया वाले कहते हैं बड़ा शुद्ध नंबर गा रहा हूं लल्लू पूरन बड़े भैया, रशिया वाले कहते हैं कि बड़ा साफ स्वच्छ नंबर गा रहा हूं साहब, कोई बदतमीज तो ना कर रहा हो। लल्लू बोल बेटा बोल, कैसे तेरा बाप हो गया? बाप जी बताएंगे तुम कैसे बाप लगते हो साहब, ये भी बताएंगे साहब, मतलब ये शुद्ध नंबर है, हमारे बाप बन गए ये भी शुद्ध नंबर। चलो इसका भी जवाब होगा। एक रशिया गाया, रशिया भाई ने को ना सो जाता तो तू है हकीकत है, इसलिए ही जाता है देर में जाता रह रह के और कुड़े कुड़े के फिर मरते हैं, कुड़े कुड़े के मरते हैं, चाहे इतनी जगह ना आए तो इतना घुसने की कोशिश करते हैं। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं भैया? तो घुसेंगे तो फटेगी। मामा ने भांजी के, मामा ने भांजे के संग शादी कर ली। फिर देखो एक स्वच्छ नंबर और आया साहब हाथस वालों की तरफ से, मैं मर्द हूं और जा हीरा पे तीर नहीं, छंद का भी जवाब होगा, सब बातों के जवाब होंगे। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि छह बॉल डालूंगा, जोनसी तुम्हें मिल जाए भाई पे अपनों खेल लियो, तो हाथ रसवा ले हो, आप जितनी गेंद फेंकोगे जीतू शर्मा की तरफ से उस प्रत्येक गेंद पर छक्का लग के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बेटा, अरे रुक बेटा, और बेटा पूरन तेरे तो मैं सवेरे तक चूरन बिछवा दूंगी बेटा। और सुनिए छंद का भी जवाब होगा, टुकड़े का भी जवाब होगा, रशिया का भी जवाब होगा, और जो तुम जो करेगा हेड़ा पे तीर नहीं चलाऊंगा, हेजड़े का जवाब तो तुम्हें ऐसे दूंगा कि आज के बाद जीतू शर्मा के सामने गाओगे ना, ये मेरी गारंटी है। हाजी हाँ साहब, हाँ साहब, मां साहब दोहा, ये रसिया सुनने के लिए अब ये रसिया सुनने के लिए और यहां जनता जुड़ी है, अरे अपा
और जहर वीर बाबा की जय जय। हाँ साहब, आपका छंद होगा और आप ही फंसाए जाओगे, ये ध्यान रखा जाए। दो व्यक्ति आए और दोनों में से एक को खाली छोड़ दिया और एक को कुछ दे दिया। मुल्ला जी, एक का नाम मैं बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा को तो इधर से भी रहनी है। एक का नाम बता रहा हूं, गौरा मैया कह रही है भगवान शंकर से। एक चेला, दोनों चेला खास है, दोनों उसमें एक चेला है रावण। नहीं, लंका ना था किसी और मैटर ही बने हुए है। रावण को दे दिया भगवान शंकर ने लिंगी। समझ में आ रही, सब ना आ रही? अगर समझ में आई हो तो एक बार ताली जाके वंदन कर दो आप लोग। लिंगी दे दी, एक का नाम रावण, दूसरे का नाम बताएंगे आतस वाले, क्योंकि पता नहीं क्या क्या लिखलाते। अब लिंगी दे दी, उसमें शर्त रख दी कि हे रावण तो इस लिंगी को ले जा, लेकिन एक शर्त है, सीधी की सीधी से ले जा करके बीच में कहीं रखना नहीं, सीधी की सीधी लंका पहुंचाना। अगर बीच में कहीं रख दी, अगर बीच में कहीं रख दी तो ये लिंगी फिर उठ नहीं पाएगी, वहीं की वहीं रह जाएगी। अब तुम्हारा छंद भी बंद कर रहा हूं। जब गौरा मैया ने इतना कह दिया, वो रावण लिंगी को लेकर के चला गया। जब रावण लिंगी को लेकर चला जाएगा तो मैटर क्या बनेगा? कुछ नहीं। बीच में लेकर गया, लेकर के जा रहा है लिंगी को, उसको बीच में लघु शंका लगी तो उसने कही, वो तो फजी तो बने को, हम करूं क्या? तो एक पंडित जी खड़े थे, उस रावण ने कहा कि पंडित जी ये मेरी लिंगी साध लो और मैंने लघु शंका करके अभी आता हूं। नहीं, ले जा बेटा, ले जा। उस लिंगी को उस रावण ने उस पंडित जी को दे दिया। रावण लघु शंका करने चला गया। अब जब रावण लघु शंका करके आया, पंडित जी ने वो लिंगी को रख दिया, अब वो उठ नहीं पा रही है। तो अब वो रावण इधर से उस पंडित से क्या कह रहा है, आप लोग ये जवाब देखेंगे। हाँ साहब सुनिए, रावण कहने लगा, छंद पूरा लिखना, क्योंकि ये कमेटी एक एक शब्द लिख रही है। महेश गुरु, छंद पूरा लिखा जाए, पूरा लिखा जाए, और जैसे मैं काफिया इधर से दू, काफिया उधर से ऐसे आने चाहिए। और सुनो, ये दोही का मंच है, एक काफिया उसमें आया भुजंकर की, तो हाथरस वालों, मेरा तुम्हारा दंगल यही खत्म हो जाएगा, मैं हार मान के अपने घर चला जाऊंगा। अगर भुजंकर शब्द का अर्थ अगर शिवशंकर का नाम हो तो मेरी हार यही स्वीकार करता हूं मैं। भुजंग तो है लेकिन कर क्या, मतलब क्या है? 108 नामों में से अगर भुजंकर दिखा दो तो मामला यही खत्म है मेरा। जो साहब सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्या बात, काफिया काफिया लगाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भुजंकर भुजंग तो है, 108 नाम खोल के देख लेना, लेकिन भुजंग कर कहीं नहीं है। अब देखो शुद्ध काफिया कैसे देता हूं, सुनिए वहां साहब। हाँ जी, दो समय नोट करें, 12:35 हो रहे महेश गुरु। ए पंडित जी महाराज, तुमने ये गड़बड़ कर दिया। अरे मत तारो मेरी और जा बात को, अब ये मत तारो मेरी और जा बात को, और अब पंडित जी महाराज, अरे महाराज से नेक मेरी लिंगी पकड़ो आज। और देख जल्दी पकड़ो और वो लग रही लघु शंका, अरे देखी जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, अरे जल्दी पकड़ो और वो लग रही लघु शंका, और लग इतनी क्यों अब फे गई है, और
रब अब इतनी चोप है गई है। अरे लगे इतनी क्यों अब फेंक गई है। और भैया तुम्हारी इच्छा यात्रा का शुरुआत कर दूंगा नहीं थे, हाथ उठा के बताओ पीछे तक। और देख जल्दी पकड़ो मोह लगी रही लघु शंका। और लगे इतनी क्यों अब फेंक गई है। और कुछ देर अरे कुछ देर डांटो तुम मेरी लंगी जब हाथ में तुमने ले लिए। मैंने पर्वत चोटी पे तपस्या, मैंने पर्वत चोटी पे तपस्या, मैंने पर्वत चोटी पे ऊपर टंकार। तपस्या मैंने पर्वत चोटी पे ऊपर टंकर की पहला काफिया। हाजी मां साहब ने कहा बजाइयो जाने वाले आजा तेरी याद सताए। बजाओ चला भैया आजा रसिया जाने वाले आजा तेरी यादों सताए यादों का जरों का कहीं दूर न जाए। बैठ जाओ भैया बैठ जाओ। हो पहली बार मेरा इस मंच पर आना हुआ है। हाय भैया के आई हूँ इस मंच पे और एक धूम मचा कर जाऊंगी और यहाँ की इन बच्चों की चलती क्या इन बूढ़ों को अपना बना के। आजा हमते हमसे बड़ा बना हुआ है जो रसिया भाई जनाने कहूं जाए इन्हें कोई मिले या ना मिले लेकिन इन्हें इस पब्लिक में बाबा जरूर मिलेंगे। बाबा ने भी टावर आवते ना एक लाइन कह दू अगर आप लोग कहो तो हाथ उठा के बताओ कह दू को ना। बाबन पे लाइन मारेगी
और भैया आनंद आ जाए तो प्यार चाहूंगा आप लोगों से। अरे बाबा साहब सुतरो ही सुतरो डोलेगो और फंस गई काऊ तो ही के बाबा के चक्कर में तो तेरो लहंगा उतरो ही उतरो। अरे फंस गई काऊ जा छोरा के चक्कर में तो तेरो लहंगा उतरो ही उतरो डोलेगो। तो भैया आनंद आना प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? आठ लाख बता आनंद आना प्रारंभ हुआ। जाने वाले आ जा तेरी याद सताए। बड़े भाई व्यापारी साहब गाने वाले कह रहे हैं अब इधर से कह रहे थे भीष्म पिता में अरे रणभूमि में बेशक मैं तो आरा जाऊं पर ही चढ़ा के ऊपर में तीर ना। एक कहावत है कमेटी वाले बैठे जरा गौर करना। एक कहावत है कि पहली राय सोची और अब कर रहे हैं लोची लोची। समझ में आ रही है? ये विद्वानों का क्षेत्र है बाबा। रिश्ते में बाबा लगते हो भीष्म पिता में गुरुदेव सब अड़बंगा जो आज ये खड़ा है वो सब तुम्हारे ही तो देने। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? या सुनने वाले बैठे ये सब कुछ तुम्हारी तो देने क्योंकि तुमने ही तो ये सब कुछ भेद बताया था। जो साहब आवाज सामने आएगा तब पीछे हट रहे हो नहीं आज होगा क्या सुनिए देख। अरे तुमने ही ये भेद बताया कैसे ठोकराऊं तुमने ही ये भेद बताया कैसे ठोकराऊं गुरुदेव। अरे तुमने ही ये भेद बताया कैसे ठोकराऊं तुमने ही ये भेद बताया कैसे ठोकराऊं। और जवाब हो जाए तो तालियों से प्यार चाहूंगा आप लोगों का। बड़ा भाव से निवेदन है मेरा। अरे तुमने ही ये भेद बताया कैसे ठोकराऊं चा ही जड़ा के हाथों तुमको यहां मर दोस्तों। पूछना चाहूंगा मेरा जवाब समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों की? हाथ उठा के बताएं आप लोग। ही चढ़ा के हाथों तुमको यहां मरवा क्यों जैसा करोगे पैसा भरना पड़ेगा। अरे जैसा करोगे पैसा ये भरना पड़ेगा। और हे हाथस वाले हो जैसा करोगे पैसा ये भरना पड़ेगा। और अगर समझ में आया तो सबकी आवाज यहां तक आनी चाहिए। भाषा जैसा करोगे पैसा भरना पड़ेगा। अरे जैसा करोगे करोगे बेटा ये भरना पड़ेगा। आज ना बचोगे जिंदे मरना पड़ेगा। ओ आज ना बचोगे जिंदे वो मरना पड़ेगा। आज ना बचोगे वो जिंदे ये मरना पड़ेगा। भैया कोई गलत बात तो ना आ रही? आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? आज ना बचोगे वो जिंदे आज ना बचोगे वो जिंदे वो मरना पड़ेगा। और देखो हाथ से वाले मजा कैसे हाथों से पब्लिक जोड़ते बोले आज ना बचोगे जिंदे मरना पड़ेगा। ये
ये पिंड, ये पिंड, ये पिंड धरना आज ना बोलो लिया। ए बाबा साहब, अब बताओ कौन सा पिंड धरवा हो भैया? गलत बात तो ना कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। आज ना बचोगे जिंदे, मरे ना पड़ेगा पिंड धरना पड़ेगा। हो देख खेल ये रचो, आज ना बचो खेल ये रचो, आज ना बचो। और बाबा, अरे मार करके आग तुम में, मार करके आग तुम में ही, आग तुम में मार करके मैं ही लगा भैया, मार करके आग तुम में मैं ही लगाऊ, ही चढ़ा के हाथों तुमको क्या मरवाऊ। पैसा सभी लोग दे रहे हैं, हमारे व्यापारी साहब की तरफ से भी आए हैं, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे शंकर चाचा जी निवासी आपके ही बगल के हैं। एक बार निवेदन करूंगा उनके लिए, जोरदार ताली बजा के वंदन करें, आप लोग अभिनंदन करें, हमारे चाचा जी हैं। और मैं निवेदन करूंगा आप अखाड़े में आके बैठ जाए, वहां बैठे हो, यहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, हाँ जी मां साहब, चिकड़ी 100 रुपया कैमरा भाई दे रहे हैं, सवेरे मिल जाए। अरे देख मालूम पड़ गई, अरे मालूम पड़ गई सबरे छल की, और तोड़ो सत के खम्बाकू, और रखो पास तुम आज अकल को, और देखो जा नीच निकम्माकू, तो पास अकलकू। गुरु, जब दोनों तरफ से कलम चलती है तो आनंद जब आता है, समझ रहे हो ना? अब क्योंकि मजा आवाज आएगा दंगल में, तो अरे सूजा और करके पाप रहे हो क्यों, तूजा करके काप रहे हो क्यों, तूजा धर लिंगी पूरे हो कहां कूजा, धर के लिंगी कहां कूरे हो जा, कहाँ कूर हो जा, न रास्ता बंद करो। हाँ जी, पहला काफिया था मेरा ऊपर टंकर की, दूसरा काफिया है धर लिंगी कूर हो कहाँ कूजा, समझ रहे हो? धर लिंगी कू रहे हो कहां कूजा, न रस्ता बंकर की। बंकर कहते हैं जो आपने देखा, सब लोग समझदार हैं, दोनों काफिया शुद्ध। और हाथ संभाल लो, लड़ाई छंद पे होगी, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं इस गुरु। अगर शुद्ध काफिया जैसे दे रहा हूं, काफिया का अर्थ ये पली तरफ से बताएंगे कि इस काफिया का अर्थ ये है, ये पब्लिक पागल नहीं बैठी है, समझ रहे? मासा बजाइयो, मूड मूड ऑफ हो गया, नसो झर्राट काट रही है। Thank you.
बड़े भैया मैं तुम्हारे हाथ जोलू पैर छूलू बैठे जाओ भाई साहब यार हमको सस्ता ही आ जा भाई बड़े जाओ साहब अभी गीत घबरा था पली तब से बेटा पूरन मुकेश जी बच्चा हूं आपका आया था यहां मैं तो नचने नचाने आजा गीत गा रहे थे आया था यहां मैं तो नचने नचाने अरे गाने बजाने यारो हंसने हंसाने कुड़ी आंख न मिलाई ये तो मन शर्माई हाय हाय नसीबा अगला पो गया कुड़ी आंख न मिलाई देख ऐसे घबराई हाय हाय रे नसीबा को खिला पो गया छट्टू जी छट्टू जी छट्टू जी मजा जब तक नहीं आता है तब तक तुम नहीं बोलो कुड़ी आंख ना मिलाई दिल में ऐसे घबराई हाय हाय रे नसीबा ये खिलाप हो गया छट्टो जी ये मूड मेरा गुरुदेव गीत कह रहे थे ये गीत में टुकड़ा में कह रहे थे मैं हूं ब्रह्मचारी मैं हूं ब्रह्मचारी मेरे कोई नहीं नारी नहीं देखा आगारी नहीं सोचा पिछारी यानी मकर दोष कह रहा है कि मेरे हनुमान पुत्र हैं तो हनुमान जी मेरे बाप हैं हनुमान जी मेरे बाप हैं तो पली तरफ से हनुमान जी कह रहा है कि लाई हनुमान तो मैं हूं मैं कैसे तेरा बाप हो गया सही बात है मैं कैसे तेरा बाप हो गया लेकिन इस नंबर पर मैं बताऊंगा तुम बाप कैसे बन रहे हो अब इधर से मकर ध्वज क्या कह रहा है और गुरु जवाब क्या होता है लीक से नहीं हटूंगा लीक से नहीं हटूंगा बिल्कुल माकूल जवाब दूंगा गुरुदेव देख बीच में तो यार देखो खित मर जाओगे गाय गाय कवैया कभित मर जाओगे चोट है बिजेंद्र की चित मर जाओगे और बड़ी ये कह रहे थे कि कछु मत लड़ाइयो यही कह रहे थे कुछ मत लड़ाना सिर्फ इस लाइन को लड़ा लाना तो गुरु कोशिश की जा रही है इधर से और मैं मोह पे नाक तो जम मानूंगा हाथ संभाल लो जैसे मैं लड़ा के ला रहा हूं विद अर्थ के काफिया के ऐसे ही आपका आना चाहिए इनके काफिया है घित मर जाओगे गाय गाय कवैया कवित मर जाओगे और एक आया चित्त मर जाओगे अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं देख उल्टे सीधे शब्द जोड़ शब्दों का गला मरोड़ उल्टे सीधे शब्द जोड़ शब्दों का गला मरोड़ कवित करो अरे कविता करो व्यर्थ की साहित्य मर जाएगा तुम कह रहे मर जाओगे नहीं मैं तो एक जगह खम्भे पकड़ूंगा क्योंकि लड़ाई में ही जीती है किससे मनोज कुमार से हमारे बड़े भाई हैं मनोज भैया से लड़ाइए तो मनोज भैया सुनो मैं क्या कह रहा हूं देख उल्टे सीधे शब्द जोड़ शब्दों का गला मरोड़ कविता करो व्यर्थ की साहित्य मर जाएगा जनमत को चोर होए जो कह रहे चोरों के चाचा हम तो त्याग घर में सदा से चोरी होता ही है तो चोरों ने चाचा तो होंगे ही तुमने औलाद सिखाया होगा चोरी कर वही सिखाया भैया गलत तो ना करो तुम ही कह रहे हो मैं नहीं कह रहा हूं देख जनमत को चोर होए चोर चुगल खोर होए अरे कर कर बुराई वो नित मर जाएगा कर कर बुराई वो नित मर जाएगा बात बड़ी खास है और सेवक उदास है बड़ी खास है सेवक उदास है तो स्वामी का बेटा स्वामित्व मर जाएगा स्वामी का बेटा स्वामित्व मर जाएगा स्वामी का बेटा स्वामित्व मर जाएगा और
महेश गुरु देखो काफिया कितना शुद्ध आया है, ये पब्लिक पहले बोलेगी कितना शुद्ध काफिया है। अरे स्वामी का बेटा सामित मर जाएगा और अन्न कूप पर आयो मान खायो तेने पकवान, अरे अन्न कूप पर आयो मान खायो तेने पकवान, है जाएगो बीमार तेरो पित मर जाएगा, है जाएगो बीमार तेरो पित मर जाएगा, है जाएगो बीमार तेरो पित मर जाएगा। जो भैया सही काफिया है कभी गलत बात तो नहीं आई? हाँ जी महेश गुरु, है जाएगो बीमार तेरा पित मर जाएगा। अजी मासा वहीं से अब इधर से देखिए मकर दशु क्या कह रहा है, कहे हनुमान जी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता अगर आप ही हनुमान हो, अगर आप हनुमान हो तो सुनो मैं बता रहा हूं कैसे यह कहानी घटी है, आप लोग सुनिएगा। कथा खोलू मैं सारी पदम रागा में है तारी, हनुमान भैया गुरुदेव गुरुदेव मकर तो कह रहा है। कथा खोलू मैं सारी पदम रागा में है तारी, मकर तो की जो माँ थी उसका क्या नाम था? पदम रागा, पदम रागा। कथा खोलू मैं सारी पदम रागा में है तारी, सागर के बीच रहे देखो वो बिचारी, अरे सागर के बीच रहे देखो वो बिचारी, अरे सागर के बीच रहे देखो वो बिचारी, सागर के बीच रहे देखो वो बिचारी। और हनुमान जी जब पूछ में आग लगी, जब पूछ में आग लगी तो क्या हुआ? आग पूछ की बुझाई पसीना निकल गई माई, आग पूछ की बुझाई पसीना निकल गई माई, फिर उल्टा ये कैसे संताप हो गया, फिर उल्टा ये कैसे संताप हो गया। देखो पूरी कहानी खोल रहा हूं, पूरी कहानी खोल के गा रहा हूं। आग पूछ की बुझाई पसीना निकल गई माई, हनुमान जी का पसीना अंदर पहुंचा, उससे ही वो उसके मकर दश पैदा हुआ। अगर इससे कोई अलग कहानी है तो आप बता के जाने। आग पूछ की बुझाई पसीना निकल गई माई, फिर उल्टा ये कैसे संताप हो गया। खोल देता खोल देता खोल, जी क्या कह रहे? अरे बोल बेटा बोल बेटा बोल, मैं क्या कह रहा हूं? फिर उल्टा ये कैसे संताप हो गया, और ताली चाहूंगा। अरे खोल देता खोल देता खोल, मैं हनुमान जी की छाप हो गया, खोल देता खोल देता खोल, मैं हनुमान जी की छाप हो गया, खोल देता खोल देता खोल, मैं हनुमान जी की छाप हो गया। और देखे जीते जी आगे छंद बड़े ना, और मैंने चोट इलम की मारी है, और तू अरे तू होशियारी की बात कर रहे हो, और तेरी सबरी ऐठ निकारी है। कर दई खत्म कहानी तेरी, कर दई खत्म कहानी तेरी, कर दई खत्म कहानी तेरी, शंकर फंकर। करता ही खत्म कहानी तेरी शंकर फंकर की। गुरु एक काफिया अपना होता है, खुद होता है शंकर फंकर की। प्रत्येक काफिया का अर्थ बता रहा हूं सामने से आपको, प्रत्येक काफिया का अर्थ बताना है, किसका अर्थ क्या है। ज्यादा नहीं दो मिनट लूंगा,
एक रशिया गया भैया ने उसका जवाब, और उसके बाद तुम जो लोग यहाँ बैठे हो मजा तो मैं दूंगा इस नंबर पर तुम लोगों को। पहले बताओ यहाँ तक आपको आनंद आया कि नहीं आया भैया, आया कि नहीं आया? धन्यवाद। आइए वहां साहब रशिया। हाँ जी हो अरे देख के अरे कहानी क्या शादी का माने अब ये अब कहानी शादी का माने और का माने का माने तेरे देख के दुल्हन को रह गयो दरवाजे में किलो मिलो रे और वो कैसे गाड़े में अब जब काफी खाली दे नहीं और तू लिख नहीं हो गारी ले अरे देख के बरनी खूब देख जागो देखा खोल के रे और नहीं शीश पे जाके के और हो गया नहीं बचा कुछ उसे और तेरे रसिया पे मेरो रसिया चढ़ गयो हो अरे रसिया पे तेरो रसिया चढ़ गयो तेरे तेरो साहब गुरुदेव यहां तक मैंने सब कुछ इनके ही